नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। नवविवाहिता की मृत्यु पर उठे सवाल, परिजनों का कहना अलग, थाना प्रभारी का कहना अलग। हरदा टिमरनी रहड़ गांव तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत फुलड़ी से एक मामला, एक नवविवाहिता की मृत्यु का मामला सामने आया। इसको लेकर थाना प्रभारी मनोज उइके ने बताया कि प्रथम दृष्टि में मामला आत्महत्या के जैसे लग रहा है, परंतु पीएम रिपोर्ट के बाद ही मामले की पुष्टि की जा सकती है। वहीं एसडीओपी आकांक्षा तलिया ने बताया कि अभी मामले की पूरी जांच नहीं हुई है। मृतिका के शव को पीएम रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट और संपूर्ण पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ कह पाना संभव हो पाएगा कि आत्महत्या है या हत्या। इधर नव विवाहिता के परिजनों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया और मृतिका के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए कि कार की मांग को लेकर कई बार ससुराल पक्ष से मांग की गई है, परंतु लड़की के मायके पक्ष द्वारा कार की पूर्ति नहीं की गई। उनका यह कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है। अब पूरी कहानी पीएम रिपोर्ट और पुलिस का संपूर्ण इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है, तभी कुछ तय होगा कि आत्महत्या है या मर्डर। मृतिका के परिजनों का कहना भी मीडिया दिखा रही है। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस हरदा टिमरनी से मुकेश कलम की रिपोर्ट। इससे पहले कभी फोन आए थे? बताती थी पहले, वो नंद का बताती थी। क्या बताती थी? छोटी नंद तो ठीक है, पर बड़ी का भी परेशान कर। बड़ी नंद का क्या नाम है? राजन की। वो कहाँ रहती? रहड़गांव रहती। गाड़ी के क्या बोलते थे? कार चाहिए। कहाँ रहते हैं आप? परखेड़ी। जो अभी एक्सपायर हुए हैं उनसे आपका क्या रिश्ता है? मैं उनकी भाभी हूँ, वो मेरी छोटी ननद है। क्या घटना हुई थी? घटना कुछ नहीं, बस यही दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे वो लोग, टॉर्चर करते थे। मतलब उनकी नंद वगैरह, बड़ी नंद जो है राजन थी, वो बोलती थी, टॉर्चर करती थी। फोन पे कभी उनने आपको बताया? हाँ, बोला एक दो बार कि वो बोलते रहते हैं ऐसा कि बड़ी गाड़ी चाहिए थी। अब हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम बड़ी कार दे सकते हैं, अक्सर दहेज की मांग करते थे। हाँ, परखेड़ी से गाँव। 31 जनवरी को मेरी लड़की की शादी करी और दो रोज़ पहले फ़ोन करा तो उस रोज़ की लड़की रोई थी। कल लड़की ने बोला पिताजी आओ पापा, मैं आया। लड़की में से दो बार चिपक चिपक कर रोई। मैंने पूछा भी तो कि बस मैंने तुमको याद आ रही थी तो मिलने के लिए बुलाया। मैं घर पहुँचा, 10 किलोमीटर जगह है, 10 किलोमीटर जो भी टाइम लगा मैं घर पहुँचा और मेरे पास फ़ोन गया लड़की के ससुर का, क्योंकि जल्दी आ जाओ, लड़की ने सुसाइड कर लिया। मैंने बात नहीं मानी, मेरे फ़ोन में है, मैंने फ़ोन लगाया, मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये कुछ भी नहीं हुआ है मैंने, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा तुम तो आ जाओ जल्दी। मैंने कोई तो नहीं बताया, मेरे को विश्वास ही नहीं था ये कोई नॉर्मल कोई लड़े भिड़े होंगे इसलिए मैं बुला रहा है। मैंने ना मेरे भाई को बताया, ना जिया जी को बताया, ना मेरे लड़के को बताया, ना मेरी बेटी को, ना किसी को भी बताया। मैं अकेला आया हूँ, कोई नॉर्मल समस्या होगी निपट लेंगे। आया तो ना आया तो बेटी मरेल पड़ी और ये सब भग गए इधर उधर। वो नंद का मेन प्रश्न है, नंद कहती थी तेरे बाप ने सड़ी मोटरसाइकिल दी, जीप नहीं दी मेरे भैया का, मेरे भैया एक है तो जीप चाहिए थी मेरे भैया के, ये उनके प्रश्न थे। और नंद की वजह मेन कारण है, नंद ने मेरी लड़की की जान ली है और नंद ने लड़की को मारी है। उनका राजंती है नंद का नाम, और मेरी बेटी जो ख़त्म कर दी उसका नाम नेहा गौर, और राजंती ने मारी। उसका घर वाला बंटी कहते हैं, नाम क्या है, बंटी की पत्नी है राजंती। उसने मेन पॉइंट मेरी लड़की को मारने में राजंती का है। मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरी बेटी गई ऐसी आप किसी की बेटी नहीं जा, कानून इस पर ध्यान दे। अब उन्हें सुसाइड में लिया है कि फांसी में लिया है, अभी कोई कुछ नहीं, पुलिस वाले आए रात को, पुलिस वाले ने मैं डाटा डबका रखू। मैंने बोला कि मैं लड़की को अभी नहीं उठाऊंगा, सुबह उठाएंगे, मेरे परिवार में मेरे सब घरवाली माँ बहन मेरी भाभी वगैरह मेरी लड़की सबके पास है। पुलिस वाले ने कौन था वो नाम से मैं जानता, मैं क्या जानूँ नाम से, मैंने पुलिस का मुँह पहली बार देखा जिंदगी में। डॉक्टर नहीं आ रहा है, पड़े यहाँ कोई बच्चा नहीं आ रहा है। फोन लगा रहा है,
आपके सामने जो हो रहा है आपके पोस्टमार्टम करवाएंगे संघर्ष बढ़ रहा है लेकिन वो ससुराल वाले इस चीज को नहीं कर मानते थे और वो बार बार उससे यही बात बोलते थे। और कल उनकी नंद रेडगांव की रहने वाली राजंती गौर नाम है उनका, उन्होंने उनकी रस्सी से गला घोटकर उनकी हत्या कर दी। उसी ने करा, उसी ने मारा, क्योंकि हमारे पापा जी जब यहाँ से गए थे, मम्मी और पापा को उन्होंने बुलाया था, सुबह 11 बजे आए थे और वो 3 बजे घर लौटे थे, और घर पहुँचने से पहले फ़ोन आ गया कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब यहाँ आने के बाद पता चला तो ना कुछ आत्महत्या थी ना कोई वो थी, इन्होंने रस्सी से उसका गला घोटकर हत्या की है। गला देखा था फोटो के खिजो गले की, रस्सी साफ साफ घर पर उनके नहीं, वो फिर मालूम नहीं है।